हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल में मोनास लाइफ विद सोम एंड साइबर। आज है संडे और आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है और ये ब्लॉग जाएगा अभी मंडे को। हम जा रहे हैं कुछ काम से बाहर। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा सैलून दिखा है, मैं साइबर की कटिंग करवा लाती हूँ और कुछ हाउस होल्ड थोड़ा सा काम वो है, सामान लेना है कुछ थोड़ा सा मुझे, और एक एसी देखना है अगर मतलब ठीक ठाक लगा थोड़ा बहुत सस्ता मंदा, क्योंकि ऐसी चीज़ तो थोड़ी ठीक ही लेनी पड़ती है। तो वो सोच रहे हैं, एक बार देख के आते हैं, ट्राई करके आते हैं कि कैसा है। और ये देखिए, मैंने कर्टन वर्टन सब लगा दिए हैं, बाद में इसका टूर दूंगी मैं, ठीक है। और साहिबा चलो, हस्बैंड और सोहम गए हैं गाड़ी लेने, पार्किंग हमें हमारी दूर है थोड़ी सी, तो मैं और सभी साहिबा भी जा रहे हैं। तो चलिए चलो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं मार्केट में, मार्केट घुमाते हैं आपको भी। नन्नू चलो, शूज निकाल लो। पानी की बोतल ली आ रही है लिफ्ट। 10th फ्लोर। सर मुझे याद दिलाना भाई कि वो चप्पल लेनी है और तेरी भी चप्पल कहाँ गई? चाहिए ना मुझे सैंडल। हाँ, घर पर पहनने के लिए चाहिए सैंडल्स तो है ना। थोड़ी इम्यूनिटी हो रही है, कल को तो जन्माष्टमी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। कल आपको जन्माष्टमी का भी दिखाऊंगी फिर मैं, अच्छा सा कर रही। यहाँ पे मंदिर है ना, वहाँ पे मंदिर भी जाना है कल सुबह उठ के, फटाफट से नहा दोगे सुबह नहा दोगे? आज भी नहीं गए, कल जाएंगे पक्का, कल तो जाना ही पड़ेगा जन्माष्टमी में। एसी उधर हो सकता है। और सोसाइटी वगैरह भेजना तो बेड देख रहे हैं अभी हम लोग, बेड का थोड़ा सा इशू हो रहा है, एक तो है हमारे पास, एक और देखना है और एसी देखना है। एसी मिल ही नहीं रही है कोई भी शॉप। गाइज अभी हम ना दीवान देखने गए थे लेकिन हमारा मूड बदल गया और हम बेड सोच रहे हैं कि बेड ले लेते हैं, क्योंकि दीवान ऑलरेडी ये दो हैं तो जो मैंने इकट्ठे करके लगाए हुए हैं ना बेड बना के, वो दीवान ही है। और सोच रहे हैं कुछ मतलब बेड ले लेते हैं। और तीन चार शॉप्स घूम के आए और पता चल गया होगा कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और खुले बालों से अब मैं बिल्कुल जूड़ा बना लिया है मैंने, एंड ऐसे बात कर लेती हूँ मैं। और अभी थोड़ा सा एसी का जुगाड़ करना है मेरे को, एसी लेना है मेरे को, एसी ले लेते हैं, देखते हैं। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहेगा, एक बार में अगर चीज़ ले लेंगे तो चीज़ बन जाएगी। वही देख रहे हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो बजट में तो वो ले लेते हैं। और मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, सब कुछ ही है वैसे तो मार्केट में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और 1:30 हो चुके हैं और हमें भूख लग चुकी है। सुबह तो हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट करवा दिया था, मैंने जैसे कपड़े धो लिए थे हाथ से क्योंकि मशीन तो अभी नहीं है यहाँ पे मेरे पास, या लूँगी भी नहीं मशीन में। और क्या कहते हैं,
हाथ से कपड़े धोने थे मेरे को, मैंने कपड़े धो लिए और हस्बैंड ने सैंडविच बना दिए थे बच्चों को और मुझे, और वो हमने खा लिए थे और थोड़ा सा मतलब अपना काम करके नहा धो के हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो अभी हो गया 1:30 और अभी हमको लग पड़ी है बहुत सारी भूख, और साहिबा अभी कहाँ खाएगी, ये बच्चे कह रहे हैं आज तो बाहर खिला दो, आज तो बाहर खाना खाएंगे, और बाहर हम खाना खाएंगे आज राव ढाबा पे। तो राव ढाबा पे सोचा है, देखती हूँ, और राव ढाबा पे चलेंगे तो आपको भी लेके चलेंगे और खिलाएंगे आपको भी खाना। और बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ, मैंने पूछा ही नहीं इतने दिनों से, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरे हाल तो बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है हमें 3-4 दिन से बहुत ज्यादा, और कल है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, मजा आएगा। आज थोड़ा सा इसीलिए निकल आएगी, काम कर लेते, कल कुछ ज्यादा फालतू काम नहीं करेंगे। और आज हमने कर्टन्स वर्टन सब लगा दिए थे सुबह हो ना, हाँ ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट से पहले ही लगा दिए थे हमने कर्टन, नहीं तो बाद में लगाते बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है फिर, कि नहीं आराम कर लो, वैसे कर लो वैसे कर लो। क्या हुआ सोहम, हाँ बुला रहे पापा, आ जाए, सोम बुला रहे, चलिए चलते हैं थोड़ा इसी देख के आते, सोम पापा को वो गाड़ी लॉक कर दो। गाड़ी में ज्यादा गर्मी लग रही है, हमें हवा चल रही है बाहर, तो ऐसे गर्मी गर्मी नहीं चाहिए हमने, पर हम फिर से गाड़ी में बैठने आ रहे हैं, बाहर ही खड़े हो रहे हैं। फाइनली एसी भी हमारा फाइनल हो गया और बेड भी हो गया, और टाइम हो रहा है 2:20 हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा भूख सी लग रही है, ना सोम भूख को लगा ना, तो इसको भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो ये अभी फाइनल हो गया है, तो 4 बजे तक एसी वाले भैया आ जाएंगे, इंस्टॉल कर जाएंगे, इसीलिए बोल्टास का हायर का भी रेंज में बजट में ही था और बोल्टास का भी बजट में ही था, बोल्टास का थोड़ा सा हायर से ज्यादा था, बोल्टास अच्छा चलता है, काफी बढ़िया चलता है, तो बोल्टास का ही ले लिया हमने, और ज्यादा महंगा तो क्या करना है, इतने में ही थोड़ा सा हो गया, वोल्टास का सही रहेगा, और क्या कहते इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ह्यूमिडिटी का है, बच्चों को ज्यादा गर्मी लग रही है, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि ले ही लेते हैं। दोबारा फिर से आना है हमको, फिर रहना है कुछ टाइम, 3-4 दिन बाद मैं फिर से आऊंगी यहाँ पे, 3-4 दिन बाद या 1 वीक बाद, क्योंकि अभी मुझे वैक्सीन भी लगनी है, 8 सितंबर तक में हमारी डेट है, देखते हैं वो वैक्सीन कब लगवाते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, और इसीलिए हमने सोचा अब आए ही हैं तो कर लेते हैं इसका भी काम, और थोड़ा थोड़ा सा चीज़ जोड़ते रहते हैं ना तो बन जाती है चीज़, फिर एकदम से बर्डन पड़ता है वो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, और कोई आता जाता है तो फिर वो भी दिक्कत हो जाती है, जैसे बेड नहीं होता है तो फिर वो नीचे सोना वो सब अच्छा नहीं लगता, ऐसे किसी को बैठाना वगैरह होता है, तो वो बेड तो नेसेसरी था ही, एसी भी था ही, गुजारा तो कर ही ले रहे थे हम कूलर में, लेकिन जब रात को ना मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे वगैरह खुले होते हैं ना, और कूलर तभी कामयाब रहते हैं जब गेट वगैरह खोलो, गेट खोलो तो मच्छर अंदर आ जाते हैं, तो इन मच्छरों ने हमारा खर्चा करवा दिया भाई, मच्छर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है भाई तो मच्छरों ने हमारा खर्चा करवा दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलता रहते हैं ये खर्चे चलते रहते हैं, कोक पीने का मन है, ओके बिट्टू मैं देती हूँ, पानी भी नहीं पीता ये गाड़ी में ये लड़का, और भूख को नहीं लगा, भूख लगा ठीक है, आज बाहर खाओगे, बाहर ही खाना पड़ेगा, अभी बनाया तो कुछ भी नहीं है मैंने घर पे, ओ और दिल्ली जाना है अभी हमको वेडनेसडे को या ट्यूजडे को, देखते हैं जा हो सकता है उससे भी लेट, पता ही नहीं है, हमारा कोई प्लान नहीं होता, इसलिए मैं फाइनल कुछ बताती नहीं हूँ कि कब क्या प्लान होगा, वो कुछ पता नहीं होता, जब करना होता है ना बस उसी दिन पता होता है अच्छा ये चीज हो रही है। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ मैं, एसी वगैरह आ जाएगा, बेड वगैरह आ जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगी मैं और ब्लॉग को फिर एंड करेंगे, ओके। अभी हम आए हैं राव ढाबा पे लंच करने के लिए, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है हमें, है ना सोहम,
है टेबल कोई? बहुत ज्यादा भीड़ है। लंच अभी हमने कर लिया है और अभी हम खा रहे, बारिश हो रही है बहुत तेज वाली और ये कुल्फी है? नहीं बारिश में खाएंगे। हम लोग खाना खा के जैसे ही बाहर निकले हैं तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और अभी हमने आइसक्रीम वगैरह खा ली है और मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। एसी और बेड वगैरह का जो लिया है मैंने वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगी। और क्या कहते हैं, 4 बजने वाले हैं तो और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो इस वीडियो को हम यही पेंट कर देते हैं। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताना जरूर आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बाय।